अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। डेफिनेटली इस रेसिपी को देखने के बाद आपके घर में कोई भी रोटी वेस्ट नहीं होगी, और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक सादी सी रोटी इतने मज़ेदार स्नैक में कैसे कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आलू की टॉपिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, और फिर इसके अंदर कटा हुआ आलू ऐड कर देंगे। एक लार्ज साइज का आलू लिया था, जिसे छोटा छोटा कट कर लिया है, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही कट करना है। अब इसके अंदर 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से आपने मिक्स करना है, और इसे 6 से 7 मिनट कवर करके पकाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। तो यहाँ पर 7 मिनट के बाद देखिए हमारे आलू बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब हम आलू को एक प्लेट में निकाल लेंगे। कुकिंग टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप चेक कर लीजिएगा कि अगर आपके आलू गल जाएँ फिर आप एक प्लेट में निकाल लीजिए। टॉपिंग तैयार है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो यहाँ पर दोपहर की कुछ बची हुई रोटियाँ हैं, अब इन रोटियों को नाइफ की मदद से कट कर लेंगे। कट करने से इजी रहेगा जब हम इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर हम कट नहीं लगाएंगे और फ्राई करेंगे ऐसे ही तो ये फूल जाएगी और अच्छे तरीके से फ्राई नहीं होंगी। तो आपने इन बातों का ज़रूर ख्याल रखना है, और इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए अपनी रेसिपी को बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने रोटी को अच्छे से कट कर लिया है, और अब इसी सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम तमाम रोटियों को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी रोटियों को अच्छे से कट कर लिया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है, और इसके अंदर अब हम अपनी रोटियों को ऐड करते जाएंगे और इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। जब इसका 1 पार्ट क्रिस्पी हो जाएगा तो हम इसकी साइड को टर्न कर देंगे और दूसरे साइड को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। गोल्डन कलर इसका आ गया है, और इसी तरीके से अब हम इसे फ्राई करते जाएंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी की सारी रोटियाँ भी सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए हम फ्राई कर लेंगे। सारी रोटियां हमने तैयार कर ली हैं, और यहाँ पर फिलिंग भी तैयार है, चीज़ है, इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स हैं। तो सबसे पहले मैं इस रोटी के ऊपर ऐड करूँगी पिज़्ज़ा सॉस। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप काइंडली वहाँ चेक कर सकते हैं। पोटैटो फिलिंग ऐड करने के बाद इसके ऊपर प्याज ऐड कर देंगे, अब इसके ऊपर टमाटर भी ऐड कर देंगे। आप वेजिटेबल्स की कटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आप इसे कट करना चाहें। अब इसके ऊपर थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, आप इसमें बॉयल कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं, और अपने मनपसंद जो भी वेजिटेबल्स ऐड करना चाहें बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। 1 कप मोज़रेला एंड चेडर चीज़ मिलाकर मैंने ली है, और इसके ऊपर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीज़ ऐड कर सकते हैं। अगर आप कम खाते हैं तो कम, और अगर ज़्यादा तो आप बिल्कुल इसके अंदर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगानो, थाइम एंड मिक्स हर्ब स्प्रिंकल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा रोटी पिज़्ज़ा बनकर तैयार है, अब हम इसे बेक करेंगे। अब इस रोटी पिज़्ज़ा को पैन में ऐड कर देंगे, पैन बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। अब पैन को कवर करके रोटी पिज़्ज़ा 10 मिनट स्लो फ्लेम पर बेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट के बाद ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है, और हमारा रोटी पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, और सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए बाकी के रोटी पिज़्ज़ा भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा पिज़्ज़ा भी बनके तैयार हो गया है ना, बहुत ही सिंपल और मज़ेदार सी ये रेसिपी। आई होप कि इस रोटी पिज़्ज़ा को देखने के बाद आपके घर में कोई भी रोटी वेस्ट हो। फाइनल रोटी पिज़्ज़ा हमारा तैयार है, जिस तरह ये दिखने में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। अब मैं आपको इसे टेस्ट करके भी बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे तोड़ने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना क्रिस्पी बनके तैयार हुआ है ना, बहुत ही फैंसी बजट फ्रेंडली रेसिपी। बहुत ही कम और घर में मौजूद चीज़ों से ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। तो आप जब इसे घर में बनाएंगे तो जो लोग रोटी खाने में नखरे करते हैं वो भी बड़े मज़े से इसे खाएंगे। जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना कीमती फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।